लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हाई जंप में फर्स्ट प्राइज शिवा, सेकंड क्लास। वेरी गुड। मेरा प्यारा बेटा। वेरी गुड बेटा। डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ज्योति, थर्ड स्टैंडर्ड। वेरी गुड। सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज प्रभु, फोर्थ स्टैंडर्ड। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पवन कुमार। क्यों बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? वो लोग क्यों आएंगे? उनको तो झगड़ा करने से ही फुर्सत नहीं है, तो बच्चों के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? क्या कहते हैं? अरे हमारे पड़ोस में ही रहता है, इसके माँ बाप बातें कम करते हैं, झगड़ते बहुत है। क्यों जी, केस हार गए क्या? माँ, मुझे पहले ही पता था तुम ये केस हार जाओगे, और ये जायदाद हमें कभी नहीं मिलेगी। मैंने कहा था कि मेरे और मेरे मामा का कोर्ट में केस चल रहा है। कितने सपने देखे थे कि ये केस जीतने के बाद मैं महारानी की तरह जिंदगी बिताऊंगी। मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी कर ली मैंने। कॉलेज में नरेश मेरे आगे पीछे घूमता था, मैंने उसे इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो गरीब था, और तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? वही मिडिल क्लास जिंदगी जी रही हूँ मैं। छी, आज वही नरेश करोड़ों में खेल रहा है। बहुत जुबान चला रही हो। आज जो पनौती लगी है उसका कारण तुम हो। अगर मामा की लड़की शादी की होती तो ये दिन नहीं देखना होता। मैं इतना दौलत छोड़ के तुम्हारे पीछे पल्लू पकड़ कर घुमा, इसके लिए मुंह पे चप्पल मारना चाहिए मुझे। ठीक है, सबसे पहले यही काम करो। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। तुमने मुझे मारा। ऑर्डर ऑर्डर। पति पत्नी एक साथ जिंदगी नहीं बिता सकते, इसलिए दोनों अपने तन मन से दिल से अलग होना चाहते हैं। हिंदू विवाह के मुताबिक अगर ये दोनों के साथ नहीं रह सकते तो ये अदालत इन दोनों को दूसरी शादी करने की अनुमति देती है। अरे अरे अरे, क्या कर रही मेरी जान, दो ना। अरे अरे दो, अरे अरे दो ना। चल बैठ इधर, नाखून खाने से पेट नहीं भरता, चल खाना खा। मुझे नहीं खाना है। यहाँ जो खाना मिले खा लिया कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है, समझा? मैं अपनी माँ को बोलूंगा। अच्छा, अपनी माँ को बोलेगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? सुन, तेरी माँ जो है ना वो मेरे मालिक की पांचवी रखेल है, समझा? अरे बाप रे बाप, जल गया मिर्ची डाल दिया, जल गया रे। अरे मालिक, सांबर में थोड़ी ज्यादा मिर्ची हो गई तो इसने सांबर मेरे मुंह पर डाल दिया। मारा था ना, ए तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक मारूंगा। तू कौन होता है मारने वाला? अरे ये तो बहुत बदतमीज है। क्यों रे, कैसे बातें कर रहा है तू? तुझे नहीं पता क्या ये तेरे डैडी है? ये तुम्हारे पति हो सकते हैं, मेरा बाप नहीं। बड़ों से इस तरह से बातें करते हैं? बदतमीज हो गया। नहीं बोल, डैडी बोलूंगा। बोल बोल, ये मेरा डैडी नहीं है। नहीं बोलूंगा। डैडी बोलता ही नहीं, बहुत बोल डैडी बोल। डैडी को बाप भी नहीं बोलूंगा और तुम्हें मम्मी भी नहीं बोलूंगा, तुम दोनों के साथ भी नहीं रहूंगा। ए, यहाँ पे रख। ए, अपना काम जल्दी कर। ठीक है सर। उधर जाकर सफाई कर। साहब जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। कहाँ कहाँ से चले आते हैं भुखमरे कहीं के? ए, चले जाओ। अरे बाप रे, ए रॉकी, मेरे को मारने की कौन मारेगा?
ए भाई साहब, क्या रे बोल, बुकिंग कब चालू करेंगे? देने से पहले? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कब टिकट देंगे? बुकिंग चालू होगी। पता नहीं क्या मुसीबत है, ये मैनेजर अवतार कहाँ रह गया यार। जय कृष्ण मोहन मुरारी। अरे कहाँ हो आप, पब्लिक आपको देख रही, चलो ना यहाँ से। अरे ऐसी बात है क्या, ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? कृष्णा होता पवित्र नाम साधु नाम। अरे अरे यार, रजनीकांत को ही लोग कृष्ण भगवान समझते हैं क्योंकि बहुत से गेटअप किए हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? जोकर लग रहा कहा? अरे कृष्ण भगवान को मूछे थी क्या? वैरायटी रहती है इसलिए रख लिया, निकाला नहीं। ये तो अजीब वैरायटी है। अरे पूरी दुनिया के थिएटर के मैनेजर को जो आदत नहीं हो तुमको है। अरे थिएटर में जो भी पिक्चर लगती है वही गेटअप लेकर तुम वहाँ पे घूमना शुरू कर दो, पब्लिक पागल समझेगी तुम। पागल जनता। एक बात पूछता हूँ, सच सच बताऊँ? सच सच बताऊंगा। कैदी फिल्म का हीरो कौन है? चिरंजीवी। शिवा? नागार्जुन। चंद्रमुखी का हीरो कौन? रजनीकांत। अरे यार ये सारे रोल मैं करने वाला था, मुंह बंद कर। अरे मैं बहुत ही लगन और मेहनत से आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की मगर सब लोगों ने मुझे दुत्कारा, धकेल दिया। बस से धकेल दिया? नहीं, इंडस्ट्री वाले यार, उनके मुकाबले मैं खड़ा होऊंगा इसलिए इंडस्ट्री वालों ने मुझे धकेल दिया। जानते हो ये सारी गलती उसकी है। किसकी गलती है? मेरे बाप की। उन्होंने पैदा करके तुम्हें गलती की क्या? अरे नहीं, अरे उस जमाने में अगर मेरा बाप हीरो होता तो लोग मुझे प्यार से छोटा बाबू कहकर पुकारते है ना। अरे थिएटर के बाहर जिस गेटअप में खड़ा हूँ वो थिएटर के अंदर कर रहा होता। मैं आपसे एक बात पूछूं क्या, आपको मैनेजर बनाया किसने? इस थिएटर का मालिक दुबई में सेटल हो गया है। हाँ। उसने मुझे इस थिएटर का मैनेजर बना दिया। लोग मुझे थिएटर में देखकर ताले बजाने के बजाय। तालियों से याद आ गई, अगर अभी हमने पब्लिक को टिकट नहीं दिया ना तो पब्लिक हमको मारेगी। ये क्या, सामने कलर फिल्म और पीछे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह है? अरे कलर ही इतना था। ये क्या, तुमको पीछे तिल भी है? अरे हाँ, सेम जगह पर रजनीकांत का भी तिल है। अरे जाके शुरुआत तो करो। करता हूँ ना। अरे बापरे बापरे, नहीं शंकर बोल। शंकर ने बोला शंकर, मेरा गेटअप अच्छा है देखकर जल रहा है तू? जलने की क्या बात करता है, पहले जाकर टिकट काटने का काम शुरू कर। अरे करूंगा ना। अरे जानती है तू, एक दिन मैं तुझे जरूर लेडी ऑपरेटर बनाऊंगा, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तेरा नाम दर्ज कराऊंगा। ये करूंगा वो करूंगा कहते रहते हो, आज तक मुझे मशीन चलाना नहीं सिखाया। अरे तुझे क्या लगता है ऑपरेटर की पोस्ट क्या छोटी होती है? अरे ऑपरेट करना क्या आसान काम है? अरे ये ऑपरेटर शॉपरेटर मैं नहीं जानती, मुझे किसी थिएटर का मैनेजर बना दो ना। छी, छी, तू मैनेजर बनना चाहती है? अरे मैं तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। क्या रे, गिनीज बुक में लिखवाएगा? और तुम्हें मैनेजर का पोस्ट चाहिए? मालिक बना दूं? और तुम यहाँ प्रोजेक्टर रूम में क्या कर रही हो? अरे मैनेजर साहब, झाड़ू से पूरा थिएटर साफ करना होता है, बगल के परमेश्वर थिएटर मशीन से कचरा साफ होता है, यूं मशीन चलाओ और यूं कचरा अंदर। वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। अच्छा, अगर मशीन ले आऊंगा तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, तेरा काम भी यही करेगी। अरे मालिक माफ कर दो, इसे नौकरी से निकाल रहा हूँ तो तू भी चले जा रहा है ना। मालिक हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलके हम दोनों अलग अलग काम करेंगे। चल चल यहाँ से जा। प्रभु कहाँ है? ऊपर है। वो क्या है कि अंधेरी मार्केट में मेरी एक दुकान है, 10 साल पहले वो दुकान मैंने एक मारवाड़ी को किराए पर दिया था। अब मैं उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बेचना चाहता हूँ, अब वो खाली नहीं कर रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम ही खरीद लो तो वो 10 लाख की दुकान के सिर्फ 2 लाख रुपए दूंगा ऐसा कह रहा है। मैं पुलिस के पास भी गया था, कहीं भी जा रहा हूँ काम नहीं हो रहा है, इसलिए आप मेरी फिलहाल आप ये एडवांस रखिए। म्यूजिक किसने बंद किया रे? अरे कौन है रे तू? तेरे से कुछ काम है, चल बाहर आ जा। तेरे को मेरे से क्या काम रे? हाँ
तो है कौन है? मारो साले को। हेलो, कौन बोल रहा है? प्रभु। कौन प्रभु? कहाँ रहते हो? एनी टाइम एनी शो केयर ऑफ मराठा मंदिर थिएटर। मुझसे तुम्हें क्या काम है? पहले जाकर दरवाजा खोलो। अभी समझ में आ गया ना? अब चुपचाप दुकान खाली कर, नहीं तो मार्केट के रेट के हिसाब से उसे 10 लाख रुपए दे डाल। नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा बोल। ये जो कह रहा है मान लो डैड, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। सुन लिया ना? ए, मेरे बेटे को किडनैप करके मुझे डराना चाहता है? मैं क्या करूंगा तुझे पता है? क्या करेगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, केस करेगा, पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, मुझे फांसी चढ़ा देगी। मेरे पीछे रोने के लिए कोई नहीं है, ना माँ बाप ना भाई बहन। और अगर तेरा बेटा मर गया तो रोने के लिए तू है, तेरी पत्नी है। सोच ले, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। पैसा देता है या पुलिस में कंप्लेंट करता है, तेरी मर्जी। जो भी फैसला ले मैं रेडी हूँ। पैसा मिलते ही फोन आएगा, इसको छोड़ देना। प्रभु ये सब क्या है? अरे अरे, दिस इज टू मच। तेरे को थिएटर में रहने के लिए जगह क्या दे दी कि तूने इसे गुंडों का अड्डा बना दिया? वीकली थिएटर को मैं मेन थिएटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू इसे बदमाशों का अड्डा बना दिया? गुंडों के डर से आपने इसको यहाँ पे बना दिया। ये सबको पता, आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो गुंडे फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपसे ज्यादा। समझ गए मेरी बात? पता चलेगा, पता चलेगा। अधर्मी को नष्ट करने के लिए भगवान फिर से अवतार लेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। मैं सारे गुंडों को एक साथ जमा करके ये नहीं बताना चाहता कि पुलिस अपनी ताकत दिखाना चाह रही है तुम लोगों को। अरे इन लोगों के बारे में हम लोगों से ज्यादा आप लोगों को पता है। सुबह होते जो तुम लोगों पे मुसीबतें आती हैं वो इन लोगों की वजह से ही आती हैं। किसके लिए? इसी वजह से। इनके खिलाफ आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं डाला पुलिस में, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। आज के बाद अगर इनकी वजह से तुम लोगों को कोई भी तकलीफ आए तो सीधे मेरे पास आकर इन लोगों की कंप्लेन करना या मुझे फोन करना। सर ये है जॉन, ये थिएटर पे टिकटों का ब्लैक करता है, सारे मार्केट से वसूली भी कर लेता है, 10-12 रेप केस के अंदर ये सजा काट चुका है सर। ओ सर, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। ये बात तुम्हें नहीं यहाँ के लोगों को कहना चाहिए। ये सही कह रहा साहब, आजकल ये शराफत की जिंदगी जी रहा साहब। प्रभु, केयर ऑफ मराठा मंदिर थिएटर सर, ये मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है सर। ये पैसा लेकर दादागिरी करता है सर। गुंडागर्दी को तुम लोगों ने धंधा बना दिया है,
तेरे माँ बाप तेरी वजह से सोसाइटी में सर उठाकर नहीं चल सकते। नजर नीचे कर। गीता, गीता, ए गीता, कम ऑन। अरे क्या हुआ, बोलिए ना। अरे सुनिए भाई साहब, आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? मुझे नहीं पता। क्या भैया, इतनी जल्दी वहाँ से निकल गए? आज इतने खुश लग रहे हो, बात क्या है? गैस करो, गैस करो। हाँ ताऊ जी, आपको प्रमोशन मिल गया होगा। बिल्कुल नहीं, लगता है कोई अवार्ड मिला है। मैं बताती हूँ। बोलिए जी। अरे भाई, मैंने पहले इनकी लाडली बेटी म्यूजिक ट्रिप पे गई थी, आज वो वापस आ रही है। अरे तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने तुम्हें फोन किया? नहीं। फिर? सिंपल, तुम हमेशा सीरियस रहते हो, आज आते ही बच्चों की तरह हरकतें करने लगी। मैं समझ गई तुम्हारी बेटी आ रही है। कल ही वो एसपी अब ड्यूटी कमिश्नर हो गया है यहाँ पे, अब वो हमारे रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। और तुम्हारे जेल में जाने के बाद मैं यहाँ पे ही सेटल हो गया, और यहाँ पे मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। एमएलए से लेकर मिनिस्टर तक मेरा इस्तेमाल करते हैं, और वक्त आने पर हमारा काम भी करते हैं। और अगर आप उस वक्त नहीं होते तो मैं भी नहीं होता भैया, आप तो किंग हो भैया। 18 साल तक मैंने जेल में काटे हैं, खत्म हो रहा है सर। 2040 2040 2040 2040 2040। अभिनेत्री को खत्म करने के लिए ठाकुर ने जो फिल्म बनाई है उसे ब्लैक में बेच रहा है। सिर्फ तेरी वजह से रोड पर भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ तेरी वजह से लोगों के घर में करंट नहीं है। सिर्फ तेरी वजह से लोगों के घर में अनाज नहीं है, लोग अनाथ हो रहे हैं। क्या ब्लैक टिकट बेचने से लोगों का इतना नुकसान हो रहा है? अरे हमारे पूरे राज्य में 5,232 थिएटर हैं, उसमें एसी वाला 900 थिएटर है और नॉन एसी वाला 1,050, और उसमें डीटीएस थिएटर है 1,500 और मोनो है 1,100, और हमारे राज्य की जनसंख्या है 7,15,06,610 लोग, और हर महीने 5,30,35,345 लोग फिल्म देखने जाते हैं, और फिल्म देखने से सरकार को 200,75,65,555 रुपए का फायदा होता है, और टिकट को ब्लैक में बेचने से सरकार को 80,80,15,205 रुपए का नुकसान होता है। अगर यही पैसे सही ढंग से सरकार तक पहुंच जाए तो रोड बना सकते हैं, गरीबों को घर बना कर दे सकते हैं, और लाखों गरीबों को अनाज मिल सकता है। और क्या चाहिए बोलो, और कुछ सुनना चाहोगे क्या? सर जिंदगी में मुझे चाय की टपरी क्यों ना लगाना पड़े, मैं ब्लैक में टिकट कभी नहीं बेचूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। हिंदी भाषा में मुझे एक शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, माफ कर दीजिए। अच्छा सॉरी सर। सर आप इधर हो, यहाँ पे हो। गेटअप कैसा है आपको? ये गेटअप चिरंजीवी से बेटर लग रहा है ना? जरा धीरे बोलो, चिरंजीवी की फैंस लोगों ने सुन लिया तो आंखें निकाल कर आई बैंक और ब्लड निकाल कर ब्लड बैंक को डोनेट कर देंगे। अरे ये सब छोड़ो बॉस, पहले ये बताओ बॉक्स कहाँ है? लंच टाइम के पहले मेरी वाइफ भेज देगी। अरे आपके लंच बॉक्स की बात नहीं कर रहे, फिल्म ट्रेलर बॉक्स की बात कर रहे। तू नहीं लाया क्या? अरे डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से आप लाते हो ना। अब उंगली काटने से कुछ नहीं होगा, टिकट भेज दिया तुमने, पब्लिक मारेगी। जल्दी जा, इनको सिर्फ गेटअप पे इंटरेस्ट रहता है, फिल्म बॉक्स पे बिल्कुल नहीं। अरे ये तो सो गया। अरे तुम डरते हो क्या, मैं जगा देती हूँ। ए रहने दो, क्यों उसको जगा रही हो? अरे अगर इसको सोते से जगाए ना तो तुम्हारी बॉडी से कबड्डी खेल लेगा, और गालियां देना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं। ऐसा लगता है ये गहरी नींद में है, अभी नहीं उठेगा। चल जाने दो मुझे। अरे क्या यार, गार्डन में चल रहे हो क्या? अरे मेगा स्टार के फिल्म टाइम पे शुरू नहीं किया तो पब्लिक हमारी वाट लगा देगी। अरे जल्दी जल्दी चलो। ए कौन है रे तू, दिखता नहीं क्या? चल गाड़ी सुतर। अरे बाप रे, ये तो तूफान है तूफान। साले एक फूंक मारूंगा तो हवा में उड़ जाएगा, ऐसी पर्सनालिटी है तेरी, और इतनी अकड़ से गाड़ी चला रहा है। चल उठा उठा। तू कौन रे, इसका बॉडीगार्ड? अरे तू क्या, तेरे जैसे 100 भी आएंगे ना तो एक हाथ से निचोड़ दूंगा। अह
अरे बाप रे, ये कार है कि लॉरी है? एक गाड़ी से इतने सारे लोग उतर रहे। क्या बोला? तू पहले अन्ना को सॉरी बोल। क्या क्या बोला? सॉरी बोलू? एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं भाई के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। इमोशनल हूँ ना। तेरा भाई कौन है? उधर देखो, वो जो जीप में सो रहा है ना, वो है मेरा भाई। ए, ये तो अगरबत्ती ऐसा लगता है, तुझे इसकी परमिशन चाहिए? उठने के बाद पता चलेगा कि अगरबत्ती है या बम। ए अगरबत्ती, उठना, उठ, अबे उठना, ए अगरबत्ती, उठ। समझ गया बेटे क्या है? किसकी मौत आई है बे? अच्छा खासा सो रहा था, कौन जगाया मुझे? अरे 14-15 नंबर रील कहाँ गई? अरे क्लाइमेक्स वाली रील कहाँ है? फिक्र मत कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तू अभी छोटा बच्चा है। चल छोड़ दिया। चलो। अरे बाप रे बाप, रील कहाँ चली गई? समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गई। कौन तेरे ये लोग? प्रभु, टाइगर की क्लाइमेक्स रील नहीं है। इधर ही किधर होगी देखना। अरे सभी जगह देख लिया, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। अरे वो देखो, फिल्म की क्लाइमेक्स जा रही है। अरे रुक, ए रुक, ए रुक, अरे हम मार। ए, मेरी गाड़ी का कांच क्यों तोड़ा? हाँ तेरी तो। पहले कार के ऊपर जो रील का डिब्बा है वो ला कर दे। क्या रील बॉक्स? ये है ना। इस रील बॉक्स के लिए मेरे कार का ग्लास क्यों तोड़ा तुमने? मैं इसे नहीं दूंगी, नहीं देने वाली, जो करना कर लो। ए बैठो। ए प्रभु, अरे वो तो जा रही है, अरे रोको उसे। तू बैठ, आज इस लड़की का काम हो गया। छोड़ना नहीं। अरे क्या कर रहा है प्रभु? अरे गाड़ी तो स्टार्ट कर। तेरी तो। अरे बाप रे प्रभु, वो लड़की तो चली गई। अगर क्लाइमेक्स नहीं पहुंची तो लोग थिएटर के साथ साथ हमारा भी क्लाइमेक्स कर देंगे। एक काम कर, तू जाके शो स्टार्ट कर। मैंने कार नंबर देख लिया, आरटीओ से एड्रेस निकाल कर क्लाइमेक्स की रील लेकर आ। अरे ऑटो।